ये तुम नीचे क्यों बैठे हो? यही तो मेरी जगह है देव। माँ कैसी है? माँ मर गई। क्या? जब तुमने मुझे छोड़ा मैं तो जी गया। माँ मर गई। माँ गुजर गई। गुजर गई और अपने साथ अपने ख्वाब ले गई, लेकिन मैं जिंदा रहा। हर पल हर लम्हा तुम्हें याद करके जिंदा रहा। जानती हो अंजलि, जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी मेरी जेब में 50 पैसे नहीं थे, लेकिन आज मेरे पास 500 करोड़ रुपये है। 500 करोड़। जानती हो 50 से 500 करोड़ का सफर मैंने कैसे तय किया होगा? तुम सोच भी नहीं सकती। मैं रोज चलता था, चलते चलते थक जाता था, गिरता था, उठता था, जख्म भरते थे, लहू निकलता था, फिर गिरता था, लेकिन तुम्हारी आवाज सूरज की किरणों की तरह मेरे दिल और दिमाग से चीर के निकलती थी और कहती थी, एक कदम और देव, एक कदम और। फिर कदम से कदम मिलाकर मैंने ये 50 से 500 करोड़ का सफर तय किया। लेकिन एक बात कहूं अंजलि, इन सब का कोई मोल नहीं, ये सब बकवास है। क्योंकि अगर तुम नहीं तो कुछ नहीं। लेकिन मैं तुम्हारी नहीं हो सकती देव, मैं किसी और की हो चुकी हूं। अंजलि मत भूलो, तुम्हारी शादी जबरदस्ती की गई थी, एक इंसान से नहीं बल्कि उसके धन दौलत से, उसके शान और शौकत से, उसके रुतबे से। आज वही धन दौलत, वही शान और शौकत, रुतबा मेरा है, तो तुम मेरी हुई ना देव। मैं नहीं जानती मेरा रिश्ता किससे कराया गया था। मैं बस इतना जानती हूं कि जिस आदमी से मेरी शादी हो गई है उन्हें मैं पूछती हूं, वही मेरे पति हैं, वही मेरे जीवन साथी, मेरी हर सांस में, हर धड़कन पर राम बसे हुए हैं। देव तुम कहीं नहीं हो, कहीं नहीं, भूल जाओ देव, भूल जाओ मुझे, भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ। अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। इस जन्म में तुम मेरी होगी। तो ये तुम भी सुन लो देव, इस जन्म तो क्या, मैं अगले 7 जन्मों तक उनकी हो चुकी, सिर्फ उनकी।